जबलपुर जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते बदमाश किसी भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि मानो अपराधियों के मन से पुलिस प्रशासन का खौफ ही नहीं रहा। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील से, जहाँ पर सिविल कोर्ट के सामने वकील को गोली मारने के बाद एक्टिवा सवार आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों ने अपने चेहरे को ढका हुआ था। वकील जैसे ही कोर्ट के बाहर निकला तो घात लगाए आरोपियों ने वकील पर गोली चला दी। वकील के पेट गोली लगी है, जिसे आनंद फानन में सिहोरा सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से जबलपुर रेफर कर दिया गया है, जिसका जबलपुर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह मामला विगत दिनों इंद्राणा में हुए कांड से संबंधित बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मित्र सूर्यभान सिंह के साथ हम लोग कोर्ट में पैरवी के लिए गए थे। वहाँ से गेट के बाहर खड़े हुए थे तो कोर्ट परिसर ही में गोली चल गई गेट के पास। किन लोगों ने चलाई? और उसमें नाम आया है सुशील ठाकुर, राहुल ठाकुर, एक जन को हमने देखा भी है। कैसे वो सूर्यभान हमारी तरफ भागा था तो हम भागे थे उसकी तरफ, तो वो जो एक और रहा वो दूसरा फायर करने वाला था, वो हमें देख के भागा वहाँ से। काली कलर की एक्टिवा थी और इन लोग चार पाँच लोग थे। कौन लोग, इनसे क्या जुड़ा हुआ मामला है? ये पुराना मामला है मुझे, हाँ, रेत खदान वाला इंद्राणा में जो कांड हुआ था अभी 302 का, इसके पहले उससे जुड़ा हुआ मामला। ये पुरानी दुश्मनी में हमारे आदमी हमारे भाई सबको फंसा दिए। हमारा लड़का, एक लड़का जेल में है, वो बाप ये जाता था कोर्ट पेशी में, तो ये दो राजेश राजकिशोर और सुशील ठाकुर राहुल ठाकुर, ये हमारे लड़के के वहाँ कोर्ट के बाहर इन लोगों ने छेक कर गोली मारी। और हमारे लड़के, अब जी हमारे लड़के अकेला था यहाँ बाहर, कोई नहीं है हमारे यहाँ। गोली मारी राजकिशोर, राजेश था और राहुल ठाकुर था और सुशील भी था साथ। क्या वजह थी? कोई पुरानी दुश्मनी थी उन लोगों की, तो कौन सी दुश्मनी पुरानी ले करके हम, अब उनके लड़के में कुछ हो गया, कोई में मार दिया, लेकिन हमारे आदमियों को फंसाए और हमारे लड़के को, तो उस दुश्मनी लेकर के ये लोग मरवाए, ये लोग मारे। जैसा कि आपको पूर्व में मालूम होगा, अभी मझौली में गोलीकांड हुआ था कुछ, उसमें पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के लिए हमारे, जिसको गोली मारी गई है, सूर्यभान सिंह हमारे अधिवक्ता वकील साहब, उनका नाम भी उसमें इन्वॉल्व हो गया था। उसके बारे में हमने माननीय एसपी महोदय को और आईजी साहब को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में जांच के निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे। जांच में पाया गया था कि सूर्यभान सिंह उस घटनाक्रम में शामिल नहीं था। उसके लिए बकायदा वीडियो फुटेज और उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई, वो जबलपुर में पाई गई थी। इस आधार पर उनका नाम जो है FIR से विलोपित कर दिया गया था पुलिस ने अपनी जाँच में। मगर चूँकि मामला न्यायालय सिहोरा में लंबित हुआ तो माननीय न्यायाधीश गण के द्वारा कुछ आदेश पारित किया गया था बीच में इनके अधिवक्ता महोदय के खिलाफ। उसी मामले में पैरवी हेतु हमारे अधिवक्ता साथी आज सिहोरा कोर्ट में पहुंचे थे और साथ में सूर्यभान भी था। हमारे अधिवक्ता इसमें आशीष तिवारी जी हैं। आशीष तिवारी जी अपने पैरवी करी, पैरवी करने के बाद तीन अधिवक्ता वापस आ गए, ये अपनी गाड़ी लेने के लिए जो सिहोरा न्यायालय से कोर्ट से मुश्किल से 100 कदम पर खड़ी थी, उसको लेने जब वहाँ पहुँचा तो लगभग 4-5 लोग ये लोग घात लगाए बैठे हुए थे अभियुक्तगण। इन्होंने बकायदा उसको जान से मार देने की नीयत से उसको गोली मारी। तत्काल गोली लगने में चूंकि हमारे अधिवक्तागण वहाँ मौजूद थे, सिहोरा के अधिवक्तागण भी उपस्थित हो गए, उन्होंने तत्काल उनको ले जाकर सिहोरा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया। चूंकि डॉक्टरों के द्वारा तत्काल रेफर किया गया और बहुत मशक्क़त के बाद में, बड़ी मेहनत के बाद में 1 घंटे के अंदर हम उसको जबलपुर मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती कराने में सफल रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि स्थितियाँ अभी भी गंभीर हैं मगर फिर भी हमारे पक्ष में हैं। ऐसी घटनाक्रम की जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर घोर निंदा करता है और कल हम इस मैटर को लेकर, इस मामले को लेकर SP महोदय को ज्ञापन देंगे और हो सकता है कि कल हम न्यायिक कार्य से विरत भी रहें। आज दिनांक को शाम करीब 6 बजे सूचना मिली है कि सिहोरा कोर्ट परिसर में गोली चली है, इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, फिर इसे मेट्रो अस्पताल जबलपुर रेफर किया गया। इस सूचना पर मेट्रो अस्पताल जबलपुर आए हैं जहाँ घायल के कथन भी नहीं हुए। डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि ऑपरेशन के बाद कथन होंगे। कौन लोग हैं, क्या वजह? अभी जानकारी नहीं है, जब उसकी पूछताछ कर कथन लेख करेंगे फिर अग्रिम जांच कार्रवाई करेंगे। जिनको लगा, क्या नाम है? उनका नाम है सूर्यभान सिंह। क्या ये वकील साहब हैं।